Let ENVP sets shown show that f defined from a cross b to b cross a. तो फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है? कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइंड है. Such that f of ab is b comma a. अगर f of ab की बात करें तो वो क्या आएगा? b comma a. मतलब ab को उल्टा कर देना है, ba हो जाएगा. तो इस बाइजेक्टिव फंक्शन ये हमें प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करें, चलो देखते हैं. तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम. तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि a and b भी सेट्स सो दैट, तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट किया इसने और यहाँ पे लिखा है f a cross b defined from a cross b to b cross a is defined as f of a b is equal to b a. तो हमने लिखा a1 b1 और a2 b2 दोनों मानो बिलोंग कर रहे हैं a cross b को. तो such that f of a1 b1 is equal to f of a2 b2. मान लो कि दोनों इक्वल हैं. जैसे हम लिखते हैं ना f of x1 is equal to f of x2, ऐसे ये f of x1 is equal to f of x2 क्यों लिखते हैं? कि हमें पता करना होता है कि ये 1-1 है या मेनी 1 है, उसको लिए हमें ऐसा करना पड़ता है. तो यहाँ तो a1 और b1 दोनों है, तो a1 कमा b1 is equal to f of a2 कमा b2. तो a1 कमा b1, f of a1 कमा b1 किसके बराबर है? वो तो b1 कमा a1 के बराबर है. और f of a2 कमा b2 किसके बराबर है? वो b2 कमा a2 के बराबर है. तो दोनों को इक्वल कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फिर इक्वल होंगे. b1 इक्वल हो जाएगा b2 के और a1 इक्वल हो जाएगा a2 के. तो इस तरह से हमने देखा कि a1 b1 is equal to a2 b2, यानी f of a1 b1 is equal to f of a2 b2, यानी ये f क्या है? 1-1 फंक्शन. तो इस तरह से पता लग गया हमें ये 1-1 है. तो अब पता लगा रहे हैं कि ये onto है कि नहीं. तो चलो देखते हैं कि now let b comma a belongs to b cross a. तो कोडोमेन में हमने मान लिया एक एलिमेंट है. कोडोमेन हमारा क्या था? कोडोमेन हमारा b cross a. तो b cross a के एलिमेंट कैसे होते हैं? b comma a होते हैं. तो हमने b cross a में से b comma a का एलिमेंट निकाल लिया. b comma a belongs to b cross a. तो बताओ इसके करस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में कोई एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देन देयर एग्जिस्ट a comma b belongs to a cross b such that f of a comma b is equal to b comma a. तो कहता है b comma a का प्रीमेज क्या है? प्रीमेज a comma b है. तो इसका मतलब क्या है? हर एक b comma a जो हमारे कोडोमेन में होगा b comma a, उसका हमेशा हमें डोमेन में a comma b मिल जाएगा. इसलिए क्या होगा? ये onto हो जाएगा. तो ये 1-1 भी है और onto भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है. तो आई होप दिस इज क्लियर. तो फंक्शन हमारा क्या कहता है भाई? फंक्शन कहता है f a comma b is equal to b comma a. ठीक है, ये हमारा फंक्शन है. तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं मैपिंग में, ये कोई मैपिंग है ठीक है इस फंक्शन की, और तो यहाँ पे भी एक दूसरा हमने ये लिख दिया. तो इसमें मैंने b comma a एक एलिमेंट ले लिया, तो क्या करना होगा b comma a का कि वो हमें इसमें डोमेन में भी उसका प्रीमेज मिल जाए? बस उसको उल्टा कर दो, यानी a comma b कर दो. तो हर एक b comma a जो हम कोडोमेन में से लेंगे, कोडोमेन क्या है? कैपिटल b क्रॉस कैपिटल a, और डोमेन क्या है? a क्रॉस b. तो अगर हम b comma a कोडोमेन में से ले लें ठीक है, कोई भी b comma a ले लें कोडोमेन में से, और हमेशा उसका उल्टा तो हो ही जाएगा. b comma a का उल्टा क्या हो जाएगा? a comma b. इसका मतलब क्या है कि हमें प्रीमेज जरूर मिलेगा उसमें से. तो हमेशा प्रीमेज मिल रहा है, इसका मतलब ये onto फंक्शन है, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. कहता है लेट फंक्शन डिफाइन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाय f ऑफ स्मॉल n इज इक्वल टू. तो इसके दो पार्ट्स में डिफाइंड है. इफ n इज ऑड देन इट इज n प्लस 1 अपॉन 2, इफ n इज इवन देन इट इज n अपॉन 2, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो कैसे करें इसको, चलो देखते हैं. तो इसको हम कुछ इस तरह से मैपिंग से भी देख लेंगे. और अब क्या करना है इसमें, कहता है स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर. तो बाइजेक्टिव है कि नहीं है? बाइजेक्टिव का मतलब 1-1 और on 2 दोनों है कि नहीं है. तो चलो देखते हैं है कि नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा लेट f डिफाइन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट किया है, अब यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है. तो इसमें क्या लिखा है? तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट अगर हम कोई ऑड नंबर लेते हैं, तो ऑड नंबर होगा तो हमें कहाँ डालना होगा? ऊपर वाले फंक्शन में डालना है, n की जगह n प्लस 1 अपॉन 2 में डालना है. तो हमने ऑड नंबर ले लिया 1, तो 1 के लिए इमेज क्या आएगा? 1 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2 यानी 1 आ गया. तो और अगर हम 2 लें है ना, एक नंबर ले लें 2, n की वैल्यू 2, तो 2 तो इवन है, तो वो हमें नीचे डालना पड़ेगा. तो
तो 2 अपॉन 2 क्या आएगा, वो भी 1 आएगा। तो है ना, f ऑफ 1 की इमेज भी 1 है और f ऑफ 2 की इमेज भी 1 है। तो अगर हम मैपिंग में दिखाएं तो ये क्या है, ये हमारा एक मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिखाया ये नेचुरल नंबर, और यहाँ पे भी दिखा दिया दूसरा, ये भी नेचुरल नंबर, और फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो 1 का इमेज भी 1 है और 2 का इमेज भी क्या है, 1 है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये 1-1 फंक्शन, क्योंकि हमने एक एग्जांपल दिया जिससे पता लग रहा है कि ये तो मेनी वन है, 1-1 तो है ही नहीं। अब बात करते हैं, अब इसमें और आगे क्या लिखा है कि ये कैसे बताता है कि ये 1-1 है। तो इसमें लिखा है एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 तो दोनों तो बराबर है क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है, पर 1 और 2 तो इक्वल नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर एफ इज नॉट 1। इस तरह से लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा। तो अब ले रहे हैं कंसिडर द नेचुरल नंबर एन इन द कोडोमेन एन, तो एक नेचुरल नंबर ले रहे हैं कोडोमेन में से। ठीक है, और केस वन ले रहे हैं जब एन ऑड हो, तो ऑड नंबर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कहता है ऑड नंबर कैसा होता है, होता है 2r+1। तो हमने 2r+1 एक ऑड नंबर लिया, एंड फॉर सम r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r कोई नेचुरल नंबर है वो यहाँ डाल देंगे। देयर एग्जिस्ट 4r+1, तो अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर डाल रहे हैं तो कहते हैं सच दैट f ऑफ 4r+1 क्या हो जाएगा, 4r+1+1/2। तो अगर ये ऑड है, ये ऑड हम कहाँ डालेंगे, ऑड डालेंगे हम ऊपर वाले फंक्शन में, यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ अगर डाल दें तो कहते हैं 4r+1 डालोगे तो 2r+1 आएगा, तो 2r+1 का प्री इमेज क्या हुआ, तो ये कहते हैं 2r+1 का प्री इमेज हो जाएगा 4r+1। तो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, मैपिंग के अंदर लिख रहे हैं 2r+1 का प्री इमेज क्या है भाई, 2r+1 का प्री इमेज है 4r+1। ठीक है, तो ये कैसे बताया इसने, देखो यहाँ लिख के दिखाया है कि अगर हम फंक्शन के अंदर हम 4r+1 डालेंगे तो यहाँ पे n की जगह पे मेरा n तो ऑड है ना, तो यहाँ पे हम 4r+1 डालेंगे, 4r+1 ऑड होता है, तो 4r+1 डालेंगे तो 4r+1+1/2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4r+2/2 विच इज 2r+1। तो ये कैसा आएगा, ऑड आ जाएगा, तो देखो 4r+1 का इमेज 2r+1 है, यानी हम उल्टा भी बोल सकते हैं 2r+1 का प्री इमेज 4r+1 है। और अब कहता है अगर n इवन है, तो अगर n इवन है तो मानो n कैसा है 2r, तो वो भी हम कहाँ से लेंगे, वो भी हम कोडोमेन में ले रहे हैं। ठीक है, r belongs to natural number, then there exists 4r belongs to natural number such that, अब हम 4r डालेंगे फंक्शन के अंदर, 4r डालेंगे, तो ये 4r तो इवन होता है ना, 4r इवन है, इवन है तो कहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे, इवन है तो यहाँ डालोगे, तो 4r डालेंगे तो 4r/2 क्या हो जाएगा, वो तो 2r हो जाएगा। कहने का मतलब 2r का प्री इमेज क्या हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं अपन, हम कोडोमेन में एलिमेंट ले रहे हैं 2r और उसका प्री इमेज क्या हुआ 4r, और या तो उल्टा बोल दो कि 4r का प्री इमेज क्या हुआ 2r। तो हमने देखा कि ऑड का प्री इमेज तो है वो कैसा आ रहा है, ऑड ही आ रहा है, और इवन का प्री इमेज कैसा आ रहा है, ऑड का प्री इमेज ऑड आ रहा है, इवन का प्री इमेज इवन आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ये कह रहा है कि एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, तो एफ इज ऑन टू पर एफ बाइजेक्टिव नहीं है। अब ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही हो तो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, तो उसके लिए मैं कैसे समझेंगे कि 1-1 तो पता है कि नहीं है, मेनी वन है, तो ऑन टू नहीं है उसको कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए कई ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका प्रीमेट होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं है। यहाँ पे तो ये लिख रहा है कि f इज ऑन टू, तो f इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, f तो ऑन टू है पर बाइजेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि वो 1-1 नहीं है इसलिए बाइजेक्टिव नहीं है। तो 1-1 और ऑन टू दोनों होगा तभी ये बाइजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे दिखाया है कि ये 1-1 नहीं है और यहाँ दिखाया है कि ऑन टू है, तो इसका मतलब क्या है, तो 1-1 तो नहीं है पर ऑन टू है, तो अगर दोनों होता 1-1 और ऑन टू तो हम बोलते कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये 1-1 तो नहीं है पर ऑन टू है, यानी ये बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन देख लिया। तो हमें पूछ रहा था स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो हमने बता दिया कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि ये 1-1 नहीं है पर ऑन टू तो है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो
ऑन टू फंक्शन कैसे हुआ इसको हमें एक और तरह से समझेंगे कि ये मैंने सारे और जो नंबर्स हैं वो डोमेन में लिख दिए और इवन नंबर्स भी डोमेन में अलग से दिखा दिए। तो हर एक ऑड नंबर का, जैसे मैंने एन की वैल्यू वन डाली, तो वन ऑड कहाँ डालेंगे, ऑड डालेंगे एन प्लस वन अपॉइंट टू, तो एन की जगह वन डालो वन प्लस वन अपॉइंट टू, तो टू अपॉइंट टू कितना वन। ऐसे ही फिर थ्री डालो, नेक्स्ट ऑड नंबर थ्री है तो थ्री प्लस वन अपॉइंट टू, तो फोर अपॉइंट टू विच इज टू, तो थ्री का इमेज टू। ऐसे फाइव डालेंगे तो फाइव प्लस वन सिक्स अपॉइंट टू, सिक्स का इमेज क्या हुआ थ्री। तो इस तरह से सारे ऑड नंबर्स का इमेज क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। ऐसे ही इवन नंबर्स टू फोर सिक्स है, टू डालेंगे यहाँ पे डालना पड़ेगा इवन है तो टू अपॉइंट टू क्या हुआ उसका इमेज वन। ऐसे फोर का इमेज फोर अपॉइंट टू दैट इज टू, तो टू का इमेज वन, फोर का इमेज टू। इस तरह से सारे इवन नंबर्स का भी इमेज नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर्स का भी इमेज नेचुरल नंबर है। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर का कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगा, बल्कि हम कह रहे एक प्री इमेज नहीं बल्कि दो दो प्री इमेज होंगे, हर एक नेचुरल नंबर पे दो दो प्री इमेज है, यानी सभी के प्री इमेज हैं। इसका मतलब ये ऑन टू है, एवरी एलिमेंट इन द डोमेन हैज अ प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर इट इज ऑन टू। बट एवरी एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट डू नॉट हैव सेम इमेज। तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन से हैं, वन और टू, दे आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट बट दे हैव द सेम इमेज। इसका मतलब ये क्या है, मिनिमन हो गया, मिनिमन नहीं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स माइनस थ्री, और कोडोमेन है आर ऑल रियल नंबर्स माइनस वन। क्वेश्चन नंबर टेन में तो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, सेट ए टू सेट बी, और हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये हमारा फंक्शन है, इसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं। इज एफ वन वन एंड ऑन टू, तो हमें पता करना है वन वन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं, और जस्टिफाई करना है नाम से। तो चलो चेक करते हैं वन वन है कि नहीं। तो वन वन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो चलो देखते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करना पड़ता है। तो ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन, और हमारा फंक्शन ए से बी में ये है। तो हमने लिखा लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, इंस्टेड ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू वी कैन ऑल्सो राइट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, और इसको सॉल्व करते करते सिर्फ एक्स इज इक्वल टू वाई बचेगा, तो हम बोलेंगे कि भाई ये वन वन। तो हमने एफ एक्स की जगह लिखा एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, और एफ वाई की जगह लिखा वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स माइनस टू इंटू वाई माइनस थ्री मल्टीप्लाई किया, और वाई माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू वाई, फिर मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री एक्स, फिर माइनस टू इंटू वाई, और माइनस टू इंटू माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स। इस तरह से यहाँ पे भी एक्स इंटू वाई, फिर माइनस थ्री वाई, फिर माइनस टू एक्स और प्लस सिक्स। तो ये सारे लिख दिए, इसमें से एक्स वाई कट जाएगा और सिक्स से सिक्स कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई, और यहाँ से बचा माइनस थ्री वाई माइनस टू एक्स। तो वाई वाले टर्म राइट साइड में ले आए हम, तो यहाँ से माइनस टू वाई था इधर ले आए, तो कितना हो जाएगा भाई, बल्कि हमने ऐसे किया माइनस थ्री वाई को उधर ले गया, तो माइनस थ्री वाई प्लस टू वाई कितना हो जाएगा, प्लस वाई रह जाएगा। ऐसे ही ये जो माइनस थ्री एक्स है उधर ले गए, तो माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, माइनस थ्री एक्स वहाँ जाके प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, तो प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स कितना बचेगा, प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, तो एक्स बचेगा। तो सिर्फ एक्स इज इक्वल टू वाई एक ही सोल्यूशन आया, इसका मतलब क्या है, ये वन वन है, यानी ये इंजेक्टिव फंक्शन है। अब पता करते हैं कि ऑन टू है कि नहीं। तो हमें बताया कि कोडोमेन में वन नहीं लेना वैल्यू, जिसे बोला कि वाई बिलोंग्स टू बी, बी क्या है कोडोमेन, और कोडोमेन है आर माइनस वन, यानी वाई की वैल्यू वन नहीं हो सकती। तो चलो चेक करते हैं कि इसका रेंज क्या है, रेंज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले एफ एक्स को रिप्लेस करो वाई से, तो एफ एक्स को वाई से रिप्लेस किया, तो फंक्शन हो गया हमारा एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई। ये तो y इन टर्म्स ऑफ x है, अब हमें क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y करना है। तो क्या लिखोगे, x माइनस टू इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स वाई माइनस थ्री वाई। तो अब सारे x के टर्म एक तरफ इकट्ठे करो, इस एक्स वाई को उठा के दे ले आओ, और माइनस टू को उधर जाके प्लस टू कर दो, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x माइनस एक्स वाई में से x कॉमन, वन माइनस वाई बचेगा, वन माइनस वाई को डिनोमेटर में ले जाओ, तो क्या बच गया टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई। तो बताओ ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, व्हेन डिनोमिनेटर इज 0 द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो रेंज के लिए यही दिया था कि रेंज क्या है r माइनस 1, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए, हम तो देंगे ऑन टू फंक्शन है। तो पर इसने एक और तरीका लगाया है, इसमें देखो फॉर y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस 5 बिलोंग्स टू a सच दैट, तो इसको हम और क्या नाम देते हैं, इसका दूसरा नाम है f इनवर्स y। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं,
ये हमारा एफ इनवर्स वाई है, एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, दिस इज एफ इनवर्स वाई. एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 - 3y / 1 - y. तो हमने देखा कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो हमारा रेंज क्या हुआ इसमें, रेंज हो गया हमारा r माइनस 1. तो कोडोमेन क्या दिया हुआ था, यानी सेट B जो है वो कोडोमेन है, ठीक है ना. तो कोडोमेन कितना है वो भी हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था कि वो था r माइनस 1. तो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है, ये ऑनटू है. पर एक स्टेप और आगे जाके क्या कह रहा है कि f ऑफ f इनवर्स y निकालो. चलो देखते हैं कि ये क्या किया है इसने. यहाँ पे लिखा है f और f इनवर्स ऑफ y. तो एक बार बताओ, पहले तो ये बताओ कि फंक्शन क्या था. f ऑफ x था हमारा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. तो अगर हम f ऑफ f इनवर्स y डालते हैं x की जगह पे, तो यहाँ पे भी तो f x की जगह क्या डालेंगे, x की जगह f इनवर्स y और माइनस 2 डिवाइडेड बाय f इनवर्स y और माइनस 3. और इसको सॉल्व करते करते सिर्फ y बचेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये ऑन टू है. तो इसमें यहाँ पे यही किया है. तो आपने अब f इनवर्स y की जगह क्या लिखना है, 2 - 3y / 1 - y. तो यहाँ पे भी दोनों जगह यही चीज लिखी है, 2 - 3y / 1 - y. थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1 - y जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2 और प्लस 2y बचेगा, माइनस 2 प्लस 2y. डिनोमिनेटर 1 - y कैंसिल हो जाएगा, ये 1 - y 3 - 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 प्लस 3y. अब बताओ न्यूमरेटर में क्या बचा, माइनस 2 प्लस 2 तो कैंसिल हो रहे हैं, और माइनस 3y प्लस 2y क्या होता है, तो माइनस y होता है. और नीचे से माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल हो जाएंगे, और 2 - 3 क्या होगा, माइनस 1. माइनस से माइनस कैंसिल, y बचेगा. तो इसका मतलब f ऑफ f इनवर्स y, अगर y आ जाता है तो ये ऑनटू फंक्शन है. तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से किया. तो वहाँ पे भी हम छोड़ सकते थे कि भाई हमने दिखा दिया कि डोमेन और सॉरी कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है ऑनटू. तो हम यहाँ लिख रहे हैं f ऑफ f इनवर्स ऑफ y, वी प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू y, सो देयरफॉर f इज ऑनटू. सो ये 1 भी है और ऑनटू भी है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि फंक्शन डिफाइन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, ठीक है. तो डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर्स है. तो वी डिफाइन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज पावर 4. तो चूज द करेक्ट आंसर. कहता है f इज आइदर 1 और ऑन टू, f इज मेनी 1 ऑन टू, f इज 1 बट नॉट ऑन टू, f इज नाइदर 1 नॉट ऑन टू. तो कैसे पता लगाएंगे, तो आपको आइडिया है थोड़ा, f of x is equal to x square का ग्राफ कैसा था, तो पैराबोला होता है. f of x is equal to x square का ग्राफ पैराबोला होता है. तो भाई f of x is equal to x square में और f of x is equal to x raise power 4 में क्या फर्क होगा, बस स्टीपनेस का फर्क होगा, थोड़ा सा स्टीपनेस का फर्क आएगा. तो ये जो अंदर की तरफ बना रहा हूँ तो वो ग्राफ किसका है, वो x raise power 4 का है, पैराबोला ही दिखेगा, ठीक है. तो अंदर वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो है वो तो है x raise power 4 का, और जो बाहर वाला है वो x square का. तो ज्यादा फर्क नहीं होता इन दोनों ग्राफ में, ठीक है, खाली स्टीपनेस का फर्क है. तो सर आपने कैसे बता दिया कि स्टीपनेस का फर्क है, भाई एक बात बताओ 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का सॉरी 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, ठीक है. और 2 raise power 4 क्या होता है, 2 raise power 4 तो 16 होता है. तो जहाँ पे हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लें, तो वहां पे इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू तो 4 आएगी, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू बहुत ऊपर आएगी, 16 आएगी, ठीक है ना. तो इसलिए वो x raise power 4 का ग्राफ स्टीप होता है. तो अब आप ये बताओ ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ये डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर कोडोमेन भी. मुझे बताओ हम 1 और मेनी 1 के लिए ग्राफिकली क्या करते हैं, 1 के लिए क्या आप इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं. अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट दे तो इसका मतलब क्या है, वो मेनी 1 है. तो इसका मतलब ये मेनी 1 फंक्शन है. और वैसे मैथमेटिकली करें तो हम लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, और लिखेंगे एक्स रेज पावर 4 इज इक्वल टू वाई रेज पावर 4. और फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स बताओ क्या आएंगे. तो फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन कि दिस इज इक्वल टू से एक्स रेज पावर 4 माइनस वाई रेज पावर 4 इज इक्वल टू 0. तो इसके और आगे फैक्टराइज करो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.
और फर्दर फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर क्या हो जाएंगे, उसके आगे लिख देते हैं कि एक्स माइनस वाई और साथ में एक्स प्लस वाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमारा जीरो हो नहीं सकता, किसी दो टर्म्स का स्क्वायर करके ऐड करें और वो जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, या तो एक्स माइनस वाई जीरो है और या फिर एक्स प्लस वाई जीरो है। तो इससे क्या मिलेगा, या तो एक्स इज इक्वल टू वाई मिलेगा या एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू है, इसका मतलब ये मिनिमम है। ठीक है, तो वन वन और मिनिमम से पता लग गया कि ये मिनिमम है। और आगे देखते हैं कि इसने ऐसे एग्जाम्पल भी दे दिया, एफ ऑफ वन डालो या एफ ऑफ माइनस वन डालो, तो वन का पावर फोर और माइनस वन की पावर फोर दोनों क्या होंगे, वन ही आएंगे, इसका मतलब ये मिनिमम है। तो ये वन वन नहीं है, नॉट वन वन। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इसको इस तरह से करेक्ट करना है। इसमें कहते हैं कंसिडर एन एलिमेंट माइनस टू, माइनस टू लिख दो उसको, प्लस टू भी देगा। कोई भी नेगेटिव नंबर है, क्योंकि कोडोमेन में रियल नंबर्स हो रहा है, तो रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आएंगे, तो नेगेटिव नंबर का कोई प्रीमेज नहीं होगा। तो मुझे बताओ, कोई ऐसा नंबर बताओ जिसमें जिसकी पावर फोर करें और वो नेगेटिव आ जाए, तो माइनस टू का कोई प्रीमेज नहीं है, माइनस टू का कोई प्रीमेज नहीं है। यानी मुझे ऐसा नंबर बताना है कि जिसकी पावर फोर करने से वो नेगेटिव है, पावर फोर करेंगे तो पॉजिटिव होगा अगर रियल नंबर है तो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, माइनस टू का कोई प्रीमेज नहीं, किसी भी नेगेटिव नंबर का प्रीमेज नहीं है। और वैसे भी ग्राफिकली देखोगे तो क्या करेंगे हम, ग्राफिकली इमेजिन इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल लाइन, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करो तो वो तो ग्राफ काटती नहीं है। तो ये जो नेगेटिव वाई एक्सिस है उसके लिए कोई प्रीमेज नहीं है ना, तो ग्राफ को काट ही नहीं रहा, कि इस वाई की वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू आई नहीं। ऊपर वाली वाई की वैल्यू के लिए देखो, ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ग्राफ कटेगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू मिलेगी, पर यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे नेगेटिव वैल्यू के लिए तो ग्राफ ही नहीं कट रहा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्स की मिली नहीं थी। इसका मतलब ये इनटू फंक्शन